हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, मास्टरबेशन एंड स्पर्म काउंट। तो यार, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझे। लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर सोचते हैं कि आप अगर ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। कई लोग मतलब डेली करते हैं, कई लोग हफ्ते में 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं या 5 बार करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो उससे स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है कि नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन लगभग लगभग सब लोगों के दिमाग में होता है। अभी पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो स्पर्म है वो बनता क्या है, कैसे है। तो ये जो है आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें वो बनते रहता है कंटिन्यूअस, मतलब डेली वो बनते ही रहता है। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, वो आपकी बॉडी का सबसे प्रायोरिटी टास्क होता है, सबसे प्रायोरिटी टास्क। तो वो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है, मतलब आप जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं चीज़ों पे पड़ता है, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी में रहता है हमेशा। तो जो स्पर्म है वो आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस बनता रहता है। और ये जो प्रोसेस होता है एक स्पर्म को बन जो स्पर्म है उसको बनने में, वो 60 to 65 days का टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 60 to 65 days का है कि आज आपने किया तो अब 60 days बाद ही बनेगा। नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब आपने शुरू किया होगा तो उसके पहले से जो 60 to 65 days से बनते रहा होगा वो आज भी चल रहा है, वो ऐसे बनते रहता है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक राउंड रॉबिन बोलते हैं वैसे उसको, तो वो उसमें चलता रहता है, वो जो अल्गोरिथम है ना, तो उसको राउंड रॉबिन बोलते हैं, उसमें वो चलता रहता है पूरा। तो जो आज आपने किया है वो 60 to 65 days पुराना है, जो आप कल करेंगे वो उससे भी पुराना होगा, वो और भी 60 to 65 days पुराना होगा, जब डिपेंड करता है। तो ये जो स्पर्म है, कुछ लोगों में 50 की एज तक रहता है, कुछ में 60 की एज तक बनता है, कुछ लोगों में 70 80, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो आप मास्टरबेशन कर रहे हैं उससे आपके स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप मास्टरबेशन कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो स्पर्म जो आज आपका रिलीज हुआ है आपके बॉडी के स्टॉक में ऑलरेडी है। जो आपके टेस्ट होते हैं वो कंटिन्यूअस वो प्रोसेस को करते रहते हैं, कंटिन्यूअस बनते रहता है। तो इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ दो और टेंशन लेना छोड़ दो। तो ये जो है, ये मैं एक जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों तक शेयर करना चाहता था, और बिल्कुल इसके बारे में टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन मेडिकल साइंस में सारे जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, सब लोगों ने ये बात कंफर्म किया है कि इससे कोई भी एविडेंट जो होता है कि वो फर्क नहीं दिखा है किसी में भी। तो टेंशन लेना छोड़ दो और आराम से अपना लाइफ में एंजॉय करो।